नमस्कार दोस्तों, एचडी टॉक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप सभी के प्रश्न के उत्तर वीडियो के माध्यम से दिए जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपना प्लास्टिक आधार कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करें, क्योंकि UIDAI की जो वेबसाइट है वहाँ पर अब उन्होंने एक नया रूल निकाल दिया है जिसके जरिए अब आप प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको सीधा अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें वो सिखाता हूँ। पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर में मैं आधार कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा जिसकी नोटिफिकेशन आपके सामने आ सके। तो चलिए दोस्तों अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.gov.in आपको इस वाली वेबसाइट पर विजिट करना है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब घर बैठे ऑर्डर करें आधार PVC कार्ड, जो इसका जो शुल्क है वो 50 रुपीज़ होगा जिसमें इंक्लूडेड GST के साथ होगा और जो आपका आधार कार्ड है वो पोस्ट कार्ड के जरिए स्पोर्ट पोस्ट के जरिए डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगा। तो आपको स्क्रोल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पर लिखा होगा ऑर्डर आधार PVC कार्ड, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, गेट योर आधार कार्ड ड्यूरेबल। तो इसकी जो फीस है वो 50 रुपीज़ यहाँ पर नीचे आ चुकी है, ऑर्डर फॉर 50 इंक्लूडेड ऑफ GST। यहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, होलोग्राम मिलेगा, आपको आधार कार्ड में पैटर्न मिलेगा और इमेजेस एंड माइक्रो टैच भी आपके आधार कार्ड में यहाँ पर बना हुआ आएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जैसे कि आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है, जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसी के नीचे आपको कैप्शा कोड भरना है जो आपके साइड्स में है और आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। अगर आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो आप इस पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर डाल देना और फिर सेंड OTP पे क्लिक कर देना। जो OTP आएगा आप फिर वहाँ पर सबमिट कर देना। तो अभी हमारे पास आधार कार्ड में नंबर हमारा लिंक है, तो अब मैं आपको वो करके बताता हूँ लिंक वाला नंबर। तो हमारा आधार कार्ड में लिंक है, तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड नंबर लिखा, यहाँ पर मैंने कैप्चर कोड भरा और फिर सेंड OTP पे क्लिक करा। अगर आप चाहते हो कि आधार कार्ड नंबर लिंक कैसे करें तो उसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करते हो तो OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पर स्क्रीन पे डालना है, जैसे कि 220673। और आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस आधार कार्ड, तो यहाँ पर मेरी फोटो आ चुकी है, मेरा नाम, मेरे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मेरा घर का जो एड्रेस है वो नीचे आ चुका है। तो इसका जो प्रिंट है हमें कैसे अपने घर पे बुलाना है, तो उसके लिए आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जो प्लास्टिक कार्ड है वो आपके घर पे आ जाएगा पेमेंट करने के बाद। आप एक बार अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए। तो मेक पेमेंट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज पे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि UPI ID है, आप गूगल पे, फ़ोनपे, जिससे भी कर सकते हो। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, इसके अलावा आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कार्ड सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर आपको अपने कार्ड का जो नंबर होता है, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो आगे नंबर होगा 12 डिजिट का या 16 डिजिट का, आपको वो टाइप कीजिए। उसके बाद एक्सपायरी डेट, CVV और अपना कार्ड का नाम, तो फिर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ये बटन पे क्लिक करते हो तो OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना है और फिर आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। और यहाँ पर SRN नंबर आपको ये इसको सेव करके रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपकी काम आएगा। तो चेक करने के लिए कि हमारी पेमेंट हुई है नहीं हुई, तो आप क्या कीजिए, आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए दोबारा से। यहाँ पर चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो SRN नंबर है वो डालिए, आधार कार्ड नंबर डालिए, उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कीजिए और फिर चेक स्टेटस पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि SRN नंबर हमारा आ चुका है और जो SRN स्टेटस है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट करते हो, विद इन 15 दिन मतलब 15 डेज के अंदर आपके घर पे आपका जो प्लास्टिक का आधार कार्ड है वो आ जाएगा।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायी रही होगी और यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और जो आपका जो फ्रेंड हो, जो सर्कल हो, अगर उनको किसी को आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करना है या फिर प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।